आज हम बना रहे हैं ये कॉर्न के पकोड़े। देखिए ये मैंने इसको अच्छे से वॉश कर ली, धो ली। अब मैं इसे हल्का सा दरदरा पीस लूँगी। ये हरी मिर्ची है, 4 से 5 हरी मिर्ची है। यहाँ है थोड़ा सा जीरा, नमक, नमक अपने हिसाब से डालना है। ये पूरे धोकर मैं कॉर्न ले आ रही हूँ, इसे अच्छे से ये दोनों एक साथ पीस लेना। ये अच्छे से गरम गरम पकोड़े बनाएंगे। ये इसे कोई फ्राई करके खाते, तल के खाते, कोई पकोड़े बना लेते। आज मैं इसके पकोड़े बना रही हूँ, ज़बरदस्त पकोड़े। देखिए अब ये हमारे पीसा गया मिर्ची, ये कॉर्न के बीच। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन का आटा। ये 2 चम्मच बेसन का आटा हो गया। इसमें ये प्याज है, प्याज को हमने चॉपर में बारीक कर लिए। ये हो गई प्याज। अब ये हरा धनिया, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। नमक देख के ऐड करना है। पहले हमने इसमें नमक डाल लिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच डालेंगे। इससे और चटाखेदार बनते हमारे। ये मैं हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारे कॉर्न के पकौड़े है, बड़े ज़बरदस्त बनते। अच्छे से अब इसे फ्राई कर लेंगे। ये तैयार हो चुका। हम छोटे छोटे पकोड़े बना रहे, तेल अभी हुआ नहीं। अभी छोटे छोटे पकोड़े हैं ये। शाम का वक्त है, चाय के साथ पकोड़े तलना जरूरी है। अब ये नहीं हुए। अब ये हमारे पकोड़े बन गए, रेडी हो गए। देखिए ना, हमने तैयार कर दिए। और दूसरा ब्याज भी हम बनाएंगे अभी। घेर और तैयार कर रहे, आता बहुत लजीज बनते। ये भुट्टो के कोड़े बन के रेडी हो गए। शाम का वक्त है, चाय के साथ ये मकई के पकोड़े बनाए। देखिए कितने क्रिस्पी हो गई है, माशाल्लाह। बहुत अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत लजीज और मज़ेदार है। बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी बनाइए। अगर ये रेसिपी पसंद आई थी आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.